हाय तुला राशि, तो चलिए जानते हैं आपके लिए अक्टूबर के मंथ में कैसी लव की एनर्जी है, क्या कुछ अपनी लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिले और भी अच्छे से काम करने के लिए। और बहुत बहुत थैंक यू सो मच आप लोगों का जो प्यार मुझे प्रीवियस वीडियोज़ में मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आपका शुक्रिया। तो स्टार्ट करते हैं आपकी राशि से, कैसी रहेगी तुला राशि की एनर्जी, कैसी रहेगी तुला राशि की एनर्जी लव लाइफ में, कैसा कुछ रहेगा, क्या डिवाइन मैसेज है, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। ओके लवर्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, ओके एस ऑफ सोर्ड, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। बहुत सारे कार्ड्स हैं, ओके दो ही मुझे चाहिए थे एंड दो हैं, ओके ओके। सबसे पहले जो मैं आपकी लव लाइफ में देख रही हूँ, वो देख रही हूँ आपकी लव लाइफ में एक बहुत स्ट्रांग वाइब्रेशन आने वाली है आने वाले कुछ सप्ताह में। ये सिर्फ अक्टूबर की मंथ नहीं रहेगी, ये बहुत ही स्लो एनर्जी आपकी लाइफ में रहेगी जो धीरे धीरे आएगी और आने वाले फ्यूचर में स्टेबिलिटी की ओर जाएगी। ठीक है, मुझे यहाँ पे एट ऑफ सोर्ड के ऊपर पहले नज़र जा रही, तो मैं इस कार्ड की पहले क्लियरिफिकेशन करना चाहूँगी। मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपकी लव लाइफ में आप किसी डिसीजन में फंसे हुए हो, ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा है। हो सकता है कि आपकी फैमिली वाले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हैं, पर आप अपने पार्टनर से बहुत प्रेम करते हो और आपके फैमिली वाले आपको कुछ और सजेशन दे रहे हैं, आपको और सारी चॉइसेस दे रहे हैं, आपको अपना राइट पाथ नहीं दिख रहा है और इसी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हो। ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट हो रहे हो अपने डिसीजन को लेकर के, दूसरों की बातों में आकर, क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल है और यहाँ पे एट ऑफ सोर्ड, जो कि मुझे क्लियरली दिखा रहा है कि कुछ तो है जिसमें आप बहुत ही डाउटफुल हो और आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। ठीक है, अब आपको कहीं ना कहीं आपको अपने साथ में कनेक्शन जोड़ने की ज़रूरत है, अपने हायर सेल्फ से मिलने की ज़रूरत है। ठीक है, ऐसे आप मुझे दिखाई दे रहा है कि प्रॉब्लम उतनी भी बड़ी नहीं आपकी लव लाइफ पे है जितनी बड़ी आप अपनी लव लाइफ की प्रॉब्लम क्रिएट कर लिए हो, बना लिए हो। मैं आपकी लाइफ में जो सबसे बड़ी चीज़ें देख रही हूँ, जो भी आप डिसीजन लेना चाहते हो वो आप डिसीजन ले सकते हो, बस आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है। ठीक है, बहुत सारे रेनबो, रेनबो मीन्स आपकी ड्रीम्स, आपके ड्रीम्स पूरे होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बस अपने आप को करना क्या है, अपने थॉट्स क्लियर करने हैं, आँख बंद करके सिर्फ अपना सोचना है, अपने दिल की सुनना है, क्या आपका है। माइंड बहुत सारे छलावा कर सकता है, पर जैसे ही आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होंगे तो वो आपको आपकी रियल सिचुएशन से, एडवाइस से आपको मिलाएगा, आपको अलाइनमेंट मिलाएगा, वो वेज आपके लिए बनाएगा, वो सीढ़ियाँ आपके लिए बनाएगा जिससे आपकी आपकी लव लाइफ की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकती हैं। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स और द लवर्स, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मुझे ऐसा लगता है कि सडनली कुछ चेंजेस होंगे, क्योंकि अब आप थोड़ा सा मैच्योरिटी पे आओगे। ठीक है, हो सकता है आपका पार्टनर थोड़ा सा केयरलेस हो, थोड़ा सा इमैच्योर हो, आपकी फीलिंग्स को उतने ज़्यादा मेच्योरिटी से नहीं लेता हो, तो यहाँ पे मुझे अब लगता है कि आपका यहाँ पे मेच्योरनेस आएगी आपके पार्टनर को, अब वो स्ट्रांग डिसीजन ले सकते हैं आपको लेकर के। ठीक है, सबसे पहले मुझे यहाँ पे जो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ गाइड करना चाहूँगी, दिल की ज़रूर सुनना। अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपको लेकर के उतना ट्रुथफुल नहीं है तो आपको किनारे हो जाना है। हालांकि इस कार्ड की एनर्जी जो मैं देख रही हूँ, आपका पार्टनर लॉयल है, ट्रस्टी है, बस थोड़ा सा उसको टाइम की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा उसे टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका पार्टनर यहाँ पे जैसे दिखाई दे रहा है कि फैमिली में, करियर में, आप में जकलिंग कर रहा है, समझ नहीं पा रहा है मुझे कैसे क्या आगे बढ़ना है, तो थोड़ा उसको अपना टाइम देना है अपने डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं आपके लिए क्या है, आपके लिए क्या है एनर्जी, तुला राशि वालों के लिए क्या है आपके लिए एनर्जी, प्लीज गाइड कीजिएगा।
ओके, जो भी यहाँ पे सिंगल हैं उनकी लव लाइफ में कोई अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो कोई ना कोई आ रहा है उनकी लाइफ में, कोई पार्टनर आ रहा है बहुत ही न्यूली ये है, कोई पास्ट से कनेक्शन नहीं दिखाई दे रहा, किसी पास्ट को अगर आप सोच रहे हो कोई आएगा आपके तो नहीं, यहाँ पे बहुत ही न्यूली यहाँ पे एनर्जी है। और जो रिलेशनशिप में है वहाँ पे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है थोड़ा सा मैच्योरिटी रखनी है, और क्लाउड्स जो मन में रहते हैं, ये भ्रम रहते हैं जो उसको थोड़ा सा दूर करना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। और बड़े बहुत सारे कार्ड्स हैं तो मैं यहाँ पे नहीं लूँगी, बस मैं इतना बोलना चाहूँगी कि क्वीन ऑफ राफेल है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैनिपुलेटिव होने से बचिएगा, कोई भी डिसीजन लेना है तो दिल की सुनिएगा। चलिए, सेवन ऑफ राफेल, यस, सपने बहुत सारे हैं, सब सपने पूरे होंगे आपके। टू ऑफ एरियल, टू ऑफ पेंटिकल्स के नीचे टू ऑफ एरियल, देख लीजिए आप दो चीज़ों में बटे हुए हैं। ठीक है, बैलेंस बनाने की ज़रूरत है यहाँ पे, आप बैलेंस नहीं बनाओगे तो कहीं ना कहीं आप फंस के रह जाओगे। ठीक है, बैलेंस बनाइए, एक डिसीजन लेकर के चलना है, दो नाव पे सवारी नहीं कर सकते हैं। सेवन ऑफ एरियल, यह है पैसेंस की एनर्जी, इस एनर्जी को मात देनी है तो पैसेंस रखना पड़ेगा। द मून, यस, दूसरों की बातों में आकर के अपने प्लान्स को बदलना। एपिफेनी, ठीक है, ये हर्मिट का कार्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप थोड़ा तो यहाँ पे सैड हो रहे हो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी सैडनेस आप अपनी लाइफ में ले आए हो क्योंकि आप अकेले पड़ गए हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि कोई आपको कैसे क्या गाइड करे, आप खुद को ना गाइड कर पा रहे हो ना ही आप आपको कोई गाइड मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले स्पिरिचुअल रहना है। ठीक है, स्पिरिचुअल रहना है, आध्यात्मिक रहना है, जैसे राधा कृष्ण का प्रेम था उस तरीके से अपने प्रेम की पवित्रता पर विश्वास रखना है। ठीक है, आपकी लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रही, जो भी च्वाइसेस आ रही हैं उसमें अगर आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो खुद के साथ जुड़ना है, पेशेंस लगाना है, पॉज लेना है, थोड़ा टाइम लेना है, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है। ठीक है, आपके पार्टनर जो हैं वो आपके सही सपनों को पूरा करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो कि एक वेल की एनर्जी है, ये विश की एनर्जी है, ये जो एक जादुई कुआं होता है ना जो आपकी सारी मुरादें पूरे करता है वो कुआं है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो सीढ़ियाँ हैं। ठीक है, यहाँ पे भी सीढ़ियाँ हैं। और अगर इस बात को अगर मैं इस हर्मिट कार्ड को देखूँ तो ये अगर लाइट सीर का कार्ड देखें तो इसमें भी सीढ़ियों की एनर्जी, और यहाँ पे देखिएगा ये भी सीढ़ियाँ हैं। तो आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो वे हैं वो खुल रहे हैं, वो सफलता आपको मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको कहते हैं ना जो आप इन्वेस्ट करते हो उसका आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है खुद पर ट्रस्ट रखना। ठीक है, अपने आप को इतना भी स्ट्रेसफुल नहीं कर लेना है कि आप कुछ आगे इसके सोच ही नहीं पा रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर चिल रहना है, खुश रहना है, पे जब पेंटिकल्स थोड़ा फन की एनर्जी में रहना है, फन क्रिएट करोगे, हाई वाइब्रेशन करोगे तभी चीज़ों को अलाइनमेंट में लेकर के आ सकते हो, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अभी देखो यहाँ पे भी लिखा है टाइम टू मेक ए डिसीजन, बी क्लियर ऑन व्हाट यू वांट एंड मेक एक्शन, अ नीड फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, यो मैंने पहले ही इन कार्ड से बोला है कि जो भी आप डिसीजन लेना चाहो वो लीजिए, अगर चॉइसेस में भटके हुए हो तो अपने मन की सुनिए, दिल की सुनिए, अपने हायर सेल्फ से जुड़िए और उसके लिए एक्शन लीजिए। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी नेगेटिव को क्लीन रखा जाए, क्योंकि द मून की एनर्जी क्या है ना कि आप कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो रहे हो और नेगेटिव हो रहे हो, तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहना है। ठीक है, चलिए आपके लिए देखते हैं तुला राशि के लिए और क्या एनर्जी है, तुला राशि के लिए और क्या एनर्जी है। ओके, यहाँ पे दो कार्ड ही मैं लेने वाली थी और दो कार्ड ही हैं, और देखिए बॉटम में यहाँ पे रिलीज और एक्स है एंड डिसेप्शन। तो सबसे पहले इन कार्ड्स की बात कर लूँ, अगर आप किसी पुराने को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने एक्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो मत कीजिए, रिलीज एक्स है, क्योंकि ये डिसेप्शन है, ये धोखा था।
ठीक है, और इस धोखे में नहीं फंसना, ये अपने आप को ईगो को सेटिस्फेक्शन नहीं देना है कि वो वापस आएगा, यहाँ पे उसके आने के चांसेस नहीं हैं। अट्रैक्शन, अगला कार्ड है अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉयिंग द मोमेंट फुली। तो जब आप इंजॉयमेंट करोगे चीज़ों को, खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, जॉयनेस में रहोगे, तो यहाँ पे पॉजिटिव रहने से क्या होगा, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करोगे। तो यहाँ जैसा अट्रैक्ट करोगे वैसी चीज़ों को अट्रैक्ट कर लोगे, ठीक है। रोमांस अपना रखना है, और यहाँ पे देखिए रोमांटिक फीलिंग भी अगला कार्ड है, तो रोमांस को अट्रैक्ट करना है तो अपने मूड को भी रोमांटिक बना के रखना होगा, ठीक है। तो यस, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ जरूर सपोर्ट कीजिएगा। बाय।